नमस्कार। 5 जुलाई तक विश्व घस्र 15 दिन का पक्ष, जो कि कष्टकारी महीना माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, और इसके पीछे हमने लॉजिक भी बताया था और 15-20 दिन से हम लगातार इसकी चर्चा करते आ रहे थे। इसके चलते यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर कई सारी प्राकृतिक, अप्राकृतिक तथा विनाशकारी घटनाएं हुई हैं, जिनके प्रत्यक्षदर्शी पूरे विश्व के सभी दर्शक हैं। कई लोगों की मृत्यु होती है ऐसा उसमें वर्णन किया गया था और हमने भी किया था। और आज प्रसन्नता की बात यह है कि आज शब्द का मतलब यह है कि 5 तारीख तक, अमावस्या तक इसका अंतिम दिवस है। अब इस पक्ष का कोई दुष्प्रभाव होने वाला नहीं है, 5 तारीख के बाद इसका कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। अब हम 12 की 12 राशियों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ग्रह किस प्रकार से स्थित हो रहे हैं, किस राशि पर क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। मेन चीज नए पक्ष में, अब इस पक्ष को आप ये समझिए 5 जुलाई से और 21 जुलाई तक 15-16 दिन का जो पक्ष है, ये इसमें क्या क्या ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहला परिवर्तन मेष राशि से शुरू करें तो चतुर्थ भाव में इनके बुध और शुक्र दो शुभ ग्रहों का एक पक्ष के शुरू होते ही चलेगा, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। अब एक एक्शन देखिए, दो दो ग्रहों का जोड़ा एक जगह मिलेगा आपको। कर्क राशि में शुक्र और बुध, जो कि वृषभ राशि के लिए भी शुभ फल देंगे, साथ ही साथ चंद्रमा और केतु कन्या राशि पर होंगे। ये जो पक्ष है 6 जुलाई से 21 जुलाई तक का, इसमें कुछ खास बड़े परिवर्तन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी दौरान शुक्र का उदय भी होगा और शुक्र का बाल्यत्व भी 3 दिन के बाद समाप्त होगा। तो शुक्र जो है सुख का कारक है और जितने बैन लगे हुए थे शुभ कार्यों पर, उनकी जो उनका शुभारंभ, वो बैन, वो अवरोध, जो रुकावट थी वो समाप्त हो जाएगी। जिनको मुंडन कराना या देवताओं की प्रतिष्ठा करनी है, शुभ कार्य, यज्ञोपवीत आदि जो भी शुभ काम शास्त्रों में निर्धारित किए गए हैं, उनका शुभ कर्मों का आरंभ काल शुरू हो जाएगा ठीक 7 और 10 तारीख के बीच में। अब ये मात्र 5-6 दिन का ही होगा। कारण क्या है कि 16 तारीख को सूर्य जब कर्क राशि में आ जाते हैं तो उसको देवशयनी या हरिशयनी एकादशी का नाम दिया जाता है। सूर्य की संक्रांति के बाद ये स्थिति अब दिखाई दे रही है। उसके दो मतलब हैं कि संक्रांति का कर्क राशि में आरंभ होना तथा जैसे ही अष्टमी समाप्त हो जाती है, अष्टमी के बाद हरिशयनी एकादशी का समय आरंभ होता है और देवलोक में विष्णु श्री हरि चातुर्मास के लिए शयन कक्ष में जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। वास्तव में ये शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है कि चातुर्मास में नदी नाले सब उफान पर होते हैं और आपने देखा होगा बड़े बड़े संत नदी और
तालाब या उनके ऊपर चलते नहीं हैं, गंगा को पार नहीं करते हैं पुल के द्वारा। ये एक नियम बनाया गया है क्योंकि इन चार महीने में कृषि अधिकारियों का संपादन नहीं होता, बहुत बड़े काम नहीं होते खेती में चातुर्मास में। अब हम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे कि दो दो ग्रहों की जोड़े तीन जगह पर बैठे हैं, मंगल और बृहस्पति का एक स्थान पर वृषभ राशि में होना ये कई राशियों के लिए इफेक्टेड भी है और पॉजिटिव भी है, कुछ के लिए नकारात्मक है। अब हम उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बुध शुक्र और चंद्र केतु ये तीनों छह ग्रह अपना स्थान निर्धारित कर चुके, बचे तीन, और उन तीन में राहु अलग स्थिति में होंगे, शनि अलग वक्री स्थिति में, ये और सूर्य का अलग थलग पड़ जाना मिथुन राशि में, ये एक संकेत अलग से ही देता है। क्या मेष राशि के लिए शुभ फल सिर्फ राहु द्वादश भाव में कष्ट देगा, वृषभ राशि के लिए मिश्रित फल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंगल और बृहस्पति इन दोनों की युति भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार ये कष्टकारक मान सकते हैं वृषभ पर। लेकिन नई बात तो ये होगी क्योंकि मंगल का वृषभ राशि पर आना और फिर राहु का उस पर दृष्टि डालना, राहु की पूर्ण दृष्टि मानी जाती है तृतीय भाव में। कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, कुतर्क करते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं, लेकिन शनि वत राहु कुछ वत केतु शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार राहु की दृष्टि मंगल और बृहस्पति पर जब होगी, यानी के जब राहु मंगल के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो वहीं पर बृहस्पति विद्यमान है। मुख्य बात यह है कि बृहस्पति की ही राशि पर विचरण कर रहे राहु, लेकिन नक्षत्र शनि का है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। 8 जुलाई को राहु और केतु का परिवर्तन होगा उत्तरा भाद्रपद और हस्त नक्षत्र में, ये अपना नक्षत्र चरण बदलने जा रहे हैं, उस समय स्थिति कुछ और ही होगी 8 जुलाई के बाद। लेकिन 12 जुलाई के बाद राहु की दृष्टि मंगल पर विशेष रूप से पड़ेगी, तो वृषभ राशि के लिए कुछ अच्छी सूचनाएं नहीं कह सकते। मिथुन के लिए द्वादश भाव में वृषभ राशि होगी, इसीलिए अधिक खर्च, अधिक भागदौड़, अधिक व्यस्तता, अधिक मन में संताप ये होने वाला है। लेकिन कई चीज ऐसी भी हैं मिथुन राशि को शनि का फेवरेबल पॉइंट मान सकते हैं, और मंगल ग्रह भले ही आपके खर्च कराएगा 12 जुलाई के बाद, एक जगह टिक कर रहने वाली स्थिति मिथुन के लिए नहीं बन रही है। कर्क के लिए होने वाले सारे शुभत्व आपको प्राप्त होंगे, दो ग्रह आपके साथ बुध और शुक्र, शास्त्र कहता है लग्ने शुक्रे बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति दसमे अंगार को यस्य स जाता कुल दीपक। एकादश भाव में मंगल गुरु, कर्क राशि शनि के अष्टम भाव में होने के कारण तो कष्ट प्राप्त कर सकती है, लेकिन अन्य ग्रह जितने भी हैं शुभत्व प्रदान करने वाले वो कर्क राशि को इस समय पल्लवित, पुष्पित, सिंचित और पोषित और सुशोभित, और साथ ही साथ कर्क राशि की रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि और बुद्धि की वृद्धि भी कर रहे हैं। मेन चीज क्या है, कर्क राशि का विश्व में सबसे बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि एक ग्रह इसका स्वग्रही अवश्य होता है और वो होता है चंद्रमा।
आचरण अच्छा होता है, विचार अच्छा होता है, सोच अच्छी होती है, लेकिन चंद्रमा का स्वभाव क्या है, 15 दिन घटना, 15 दिन बढ़ना, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं क्षण में संतुष्ट, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण क्षण में इनका स्वभाव बदलता है और मन एकाग्र नहीं रहता, चंचल चित्त, चंचल चितवन, चंचल विचार, मनोचांचल्यता का जो उपमा दी गई है शास्त्रों में, वो जल की बूंद जिस प्रकार कमल के या अरबी के पत्ते पर नहीं ठहरती, स्थिर नहीं होती, टिकती नहीं है, ठीक इसी प्रकार इनका मन हलाए चलाए मान रहता है, एकाग्रता नहीं बनती। लेकिन बृहस्पति जब से आए हैं तब से इनकी नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा मान सम्मान स्वर्ण रत्न आभूषण गाड़ी तथा कुछ कुछ व्यथाएं जरूर हैं, संतान या स्वास्थ्य को लेकर कुछ कार्य नहीं बन पा रहे, लेकिन हंसी नहीं आ रही थी, अब हंसी और मुस्कान चेहरे पर अवश्य आएगी। सिंह राशि के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा ज्ञान बुद्धि विवेक सब कुछ, क्योंकि 15 तारीख तक तो सूर्य आपकी राशि का स्वामी सिंह और उसका स्वामी सूर्य एकादश भाव, नो आर्गुमेंट, किस प्रकार का इफ एंड बट इसमें नहीं है। आपकी कीर्ति पता का यश रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि प्राप्त होती रहेगी, साथ ही साथ आपको गुप्त चिंताएं, अष्टम भाव जो होता है गुप्त ज्ञान डीप, क्योंकि पाताल लोक है अष्टम भाव, नौका यात्रा भी उसी से देखते हैं, गंभीर चिंतन का स्थान भी अष्टम है, वहां राहु बैठा है, तो राहु चांचल्यता अस्थिरता गंभीरता और मनोदशा को गंभीर बनाता है, अपने अंतर मन की कथा और व्यथा मनुष्य वही जानता है जिसके मन में अंदर अंदर समस्या चल रही होती है। कन्या राशि के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाले एकादश भाव में बैठे हैं दो ग्रह, साथ ही साथ शत्रु विनाश करने के लिए बृहस्पति आपका भाग्य स्थान पर आ गया है, लेकिन छठे भाव में चली शत्रुओं का विनाश करता है, साथ ही साथ तुला के लिए बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक, क्योंकि छठे भाव में राहु सरप्राइज देगा, शत्रुओं को आने नहीं देगा, लेकिन अष्टम भाव पर राहु दृष्टि डालेगा जहां पर मंगल भी आने वाला है, इसीलिए 14 तारीख से आप ये समझिए जब तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो आप सुन लीजिए बड़े ध्यान से, 26 अगस्त को है, तो कुल मिलाकर के एक महीना और 14 दिन तक लगभग 1.5 महीना ये मंगल तुला राशि के लिए कष्ट देगा। उधर आपके छठे भाव का स्वामी भी अष्टम में षडाष्टक, षड और अष्टक, छठा और आठवें का कॉम्बिनेशन बन गया गुरु, और राहु की उस पर दृष्टि, मंगल भी साथ में है, यद्यपि मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को इफेक्ट तो करता है, आपकी ब्लड रिपोर्ट आएगी नॉर्मल, लेकिन अंदर से शंकाएं रहेंगी कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, कुछ नहीं होगा तुला राशि को। केंद्र में दो ग्रह, केंद्र के अंदर दो ग्रह मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा, लेकिन तुला को अगले 1.5 महीने ये डर लगा रहेगा कहीं मेरा अपमान ना हो जाए, कुछ सुन नहीं रहा मेरी बात, वृश्चिक पर जो ढैया चल रही है कंटक शनि की उस पर इसका दुष्प्रभाव बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, निश्चिंत हो जाइए। धनु के लिए छठे भाव में चल रहे मंगल और बृहस्पति और अष्टम में शुक्र और बुध, यानी कि तीनों शुभ ग्रह
साथ में मंगल, मंगल आपका मंगल करता है, लेकिन संतान के प्रति चिंतित भी कराता है आपको। आपकी चिंताएं, मन की चेष्टाएं अशांत करती हैं। उसके पीछे कारण धनु के लिए चतुर्थ भाव में चल रहे 18 जून 2025 तक राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। ये जॉब, नौकरी बदलने की बात, बस यही विचार चल रहा है, जॉब में कैसे स्टेबल हो जाऊं, लेकिन स्टेबल होने नहीं दे रहा है ग्रह। लेकिन जितनी बहुत बड़ी परेशानी जो आप झेल रहे थे उतनी अब नहीं है, उसमें 40% कमी आ चुकी है। उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं। पंचम भाव में मंगल और बृहस्पति की विशेष युति है, क्योंकि आपका लाभेश और द्वादश, 11वें और 12वें भाव के स्वामी दोनों, ये एक दोस्ती है। द्वादश और एकादश, 11-12। अब आइए नई बात बताता हूं आपको। आपके चतुर्थ भाव और तीसरा, 3 और 4 इनकी दोस्ती है। तीसरा भाव, चौथा भाव दोनों, और 11 और 12, ये दोनों का कॉम्बिनेशन और गणित देखिए। 3, 4 और 11 भाव दोनों के स्वामी एक ही हैं, बृहस्पति और मंगल है। इनका जो गणित है वो बताता है कि मकर राशि को आर्थिक रूप से कमी नहीं आने देंगे। बृहस्पति, अब कुंभ की बात कर रहे हैं, बृहस्पति आपके केंद्र में होंगे, आपके पराक्रम भाव तथा नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पिता का स्थान, रेस्पेक्ट, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, हर चीज के लिए पॉजिटिविटी दे रहा है। लेकिन आपका जो धन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अचानक लॉस हो सकता है, इसीलिए रिस्क वाला कोई भी काम, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मीन राशि के लिए अद्वितीय पॉजिटिविटी देने वाले ग्रह अब आ गए हैं। 2 ग्रह एक साथ कर्क राशि में, पंचम बुद्धि, ज्ञान, अच्छी सोच, दूरदर्शिता, सहिष्णुता, मान सम्मान के साथ साथ आपके तीसरे पराक्रम भाव में 2 ग्रह बैठकर आपके भाग्य को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, मान सम्मान देंगे। और जिसका भाग्य मजबूत है उसकी साथ सारी दुनिया खड़ी हो जाती है। लेकिन आपको अपने पैरों में दर्द, अधिक खर्च, व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ के दोस्त जो आपको अच्छी सलाह नहीं दे रहे, व्यर्थ के खान पान, इन पर कंट्रोल करना आपका बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना जरूरी है। इन सारी की सारी 12 राशियों पर अच्छा ग्रह का फल हो, किसी पर बुरा हो, ये सब बातें मैंने आपसे कही। परंतु जो व्यक्ति कलयुग के अंदर अपने इष्ट देवता, जिनकी पूजा आप रोज करते हैं, उनका आप सिर्फ 1 बार 3, 5, 11, 7 बार नाम लें, और साथ ही साथ हनुमान जी कलयुग में अमर देवता कहे गए हैं, और देवता चित्त न धरही, यानी कि जो लोकल स्थानीय गुरु बनाते हैं उनका ठीक बात मानो, लेकिन कलयुग के सबसे बड़े गुरु हैं, जो कि त्रेता युग में अपना इंटरव्यू अपने को प्रूव कर चुके हैं। और तुम उपकार सुग्रीव कीना, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, नासे रोग हरे सब पीरा। ये सारे जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है ये सामान्य बात नहीं है। राम रसायन तुमरे पासा, रसायन का मतलब सभी रसों का घर, सभी औषधियां 6 रस हैं, मृदु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। अभी 6 के 6 रस आंवला औषधि में पाए जाते हैं, लेकिन आंवला जो 6 रस से संपूर्ण है, ठीक इसी प्रकार हनुमान जी के पास राम रसायन रूपी जो जड़ी है
वो उन्हीं के पास है, इसलिए उनका ध्यान करोगे तो भगवान स्वयं आपके ऊपर कृपा करेंगे। कलयुग में सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, हे प्रभु मुझे दुख क्या है, कष्ट क्या है, वो भी आप जानते हैं, दूर कैसे होगा वो भी आप ही जानते हैं। तो अपना इदं नमम देव वेदों में आया है, इदं नमम, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में रखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।